सीटीवी के सीरियल रब से है दुआ में सुभान के दिल में कहीं न कहीं इबादत के लिए जगह बनने लगी है, लेकिन सुभान इस बात से खुद अनजान है। फिलहाल तो सुभान इबादत से बेहद नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि इबादत का बॉयफ्रेंड है और इबादत ने उसे दोस्त के नाते बताया भी नहीं। ऐसे में सुभान की बातों को नजरअंदाज करते हुए इबादत वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इबादत बेहद परेशान है। असल में मन्नत अपने बॉयफ्रेंड फरहान के साथ चली गई है, वो इबादत का कॉल नहीं उठा रही, जिसके चलते इबादत को भी पीछे पीछे जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर आज दुआ बेहद परेशान नजर आ रही है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां घर से चली जो गई हैं और दोनों ही उसका कॉल नहीं उठा रही। ऐसे में दुआ के हाथों लग गया है एक वीडियो और वो ये जानना चाहती है कि आखिर वो आदमी है कौन। ऐसे में वहां पर पहुंच जाता है सुभान, जो बताता है कि वो इबादत का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि सुभान खुद गलतफहमी का शिकार हो गया है और अब सबको यही लगता है कि इबादत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। सॉरी नहीं चाहिए इस वक्त, मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चियाँ कहाँ है और वो लड़का कौन था। दोनों बच्चियाँ घर से गायब है और फोन भी नहीं उठा रही है। बच्ची बहुत घबरा रहा है। क्या तुम्हें मालूम है दोनों बच्चियाँ कहाँ गई हैं? प्लीज सुभान, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। तो हमें दोनों, आप क्या कह रही हैं? मेरी बच्चियाँ किस हाल में है, कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में नमी है, मेरी दोनों बच्चियां गायब हैं और मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्यों गई हैं घर से। एंड ये वो सीन शूट किया जा रहा है जहां पर हमें कुछ नहीं पता है, एंड देन सुभान आकर मुझे बताता है कि वो इबादत का बॉयफ्रेंड है जिसके साथ इबादत इतनी रात को बाहर गई है। सो इट्स लाइक अ शॉक फॉर मी एंड या मतलब ये फ़िलहाल वो सीन शूट हो रहा है। सो सिचुएशन ये है कि मैं उसे 50 बार फ़ोन लगा चुकी हूँ, रवि भाई उसे फ़ोन लगा चुके हैं, बट वो फ़ोन नहीं उठा रही है। एंड इतने में सुभान आता है एंड सुभान ने बाहर झूठ बोला है इससे पहले वाले सीन में कि वो कोई डिलीवरी बॉय था, पर वो डिलीवरी बॉय नहीं है, बिकॉज मैं सीसीटीवी फुटेज में देखती हूँ कि वो कोई लड़का है जो बहुत बार हमारे घर आता रहता है। एंड वो ही इज़ ब्लोइंग किसेस एट द, मतलब वो गर्ल लड़कियों के रूम की तरफ ही इज़ ब्लोइंग किसेस एंड ऑब्वियसली वो दोनों में से किसी का बॉयफ्रेंड है। सो अब मुझे ये नहीं पता कि वो किसका बॉयफ्रेंड है, एंड इस सीन में पता चलता है कि वो इबादत का बॉयफ्रेंड है। या देयर इज़ गोइंग टू बी एक्शन, देयर इज़ गोइंग टू बी ड्रामा, देयर इज़ गोइंग टू बी रोना धोना, देयर इज़ गोइंग टू बी मसाला, वॉट एवर यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, ये सब कुछ का मिक्सचर है। हम तो बजाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की टफली, लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।